हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों की मनपसंद चीज़ चिकन दाना की रेसिपी। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। मैंने 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली हुई, इसमें रेड चिल्ली की पाउडर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूंगी, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला को इसमें ऐड कर दूंगी। अब मुझे इसमें काली मिर्चियों की पाउडर को ऐड करना था। कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ली हूँ मैंने। आप लोगों को थोड़ा बाइंडिंग के लिए और ज़्यादा लगे तो आप लोग 3 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें विनेगर लिया है 1 टीस्पून। आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने विनेगर ली। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। सॉल्ट आपके हिसाब से आप लोग लेना, कम या ज़्यादा। मैंने एक अंडे का 1 बाइट ली हूँ, क्योंकि ये 250 ग्राम ही चिकन था, इस वजह से मैंने इतना ही 1 बाइट ली थी। अब मैं इसमें फूड कलर को ऐड कर दूंगी और इसके बाद हमें हरी मिर्च इसे ऐड करना है। ये आपके हिसाब से कीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें मिर्ची लग सकती है, तेज़ लग सकता है। अब मैं इसको मिक्स करके इसको मैरिनेट होने के लिए 1 से 2 घंटे तक रख दूंगी। ये मैरिनेट हो चुका है, अब मैं इसको फ्राई कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहा है और ये उतने ही अच्छे से क्रिस्पी भी होगा। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को ये मेरी रेसिपी चिकन दाना पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ से एक बार घर में ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दो, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलता है सबसे पहले। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।